Consider a family of circles passing through two fixed points A and B. The chords in which the circle this cuts the members of the family are concurrent at a point. Find the coordinates of this point. ठीक है, देखो एक family of circles है जो A और B से pass कर रहा है, तो पहले हम उस family of circle का equation देखते हैं क्या होता है। तो दो fixed point है A और B, मान लेते हैं दो fixed point। तो A का coordinate है 3, 7 और B का coordinate है 6, 5। ठीक है, तो ए और बी फिक्स पॉइंट है इस दोनों पॉइंट से जो सर्कल पास करेगा। बहुत सारा सर्कल पास हो सकता है ना, हो सकता है एक ऐसा सर्कल होगा, ठीक है, एक बड़ा सर्कल भी होगा ऐसे, तो बहुत सारा सर्कल पास करेगा। उस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखना है, और उस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हम लिखना चाह रहे हैं एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में। ठीक है, तो एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, जिसमें से एल क्या होगा, एल हम बना लेते हैं इस दोनों ए बी को ज्वाइन करेंगे तो एल बन जाएगा। तो एल का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, एल कितना आएगा, वाई माइनस फाइव इक्वल टू स्लोप कितना आ जाएगा, 7 - 5 = 2 और बाई 3 - 6 - 3, तो -2/3 होगा इंटू एक्स माइनस सिक्स, ये हो गया एल। तो 3y - 15 इक्वल टू -2x + 12, तो 2x + 3y इक्वल टू 27, तो -27 इक्वल टू 0, ये हो गया एल का इक्वेशन। अब एस हम लोग को फाइंड करना है, एस क्या होगा, ये ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, वही हो जाएगा एस। तो एस हम लोग लिख सकते हैं डायमेट्रिक फॉर्म में, वो कितना होगा, x - 3 * x - 6 + y - 7 * y - 5 = 0। तो एस का इक्वेशन अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये होगा x² + y² और -6x - 3x मीन्स -9x और -5y - 7y मीन्स -12y और 35 + 18 तो +53 इक्वल टू 0, ये s हो गया। अब जो फैमिली ऑफ सर्कल होगा, जो फैमिली ऑफ सर्कल होगा, देखो फैमिली सर्कल क्या होगा कि ऐसा सर्कल होगा जो ए बी से पास करेगा, तो एक ये सर्कल हो सकता है ना, हो सकता है एक दूसरा सर्कल ये हो सकता है, तो बहुत सारा सर्कल पास करेगा ए बी से। तो उस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हो गया एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स एस प्लस लेमडा एल इक्वल 0, इसमें एस रखते हैं एल रखते हैं, तो एस कितना होगा, एस है x² + y², ये वाला एस है ना, x² + y² -9x - 12y और +53 और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एल, एल कितना है, एल है 2x + 3y - 27 = 0, ये हो गया एल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x² + y² प्लस, अब x वाला टर्म अलग करेंगे तो 2λ - 9 ऑफ x होगा, प्लस y वाला टर्म अलग करेंगे तो 3λ - 12 ऑफ y होगा, प्लस कांस्टेंट टर्म अलग करेंगे तो 53 - 27 लेमडा इक्वल टू 0 होगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो सर्कल है वो इस सर्कल के साथ जो कॉर्ड बनेगा कॉमन कॉर्ड, वो कॉर्ड कंकरेंट होगा, कंकरेंट मतलब एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल फैमिली ऑफ सर्कल्स आए, इसको हम लोग एस वन मान लेते हैं कि एस वन का इक्वेशन ये हो गया। जो सर्कल गिवन है एस टू, वो यहाँ पे लिखते हैं, तो एस टू दिया हुआ है x² + y² - 4 - 6 - 3, तो यहाँ लिख देते हैं, तो x² + y² - 4x - 6y - 3 = 0, एस टू हो गया। जब दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड, ठीक है, कॉमन कॉर्ड ही कॉर्ड होता है, उसी के बारे में बोल रहा है, तो कॉर्ड का जो इक्वेशन है वो होगा s1 - s2 = 0, ये होता है कॉमन कॉर्ड। तो एस वन है ये, एस टू है ये, दोनों को माइनस करना है, x² y² कट जाएगा, तो देखो x का कोफिशिएंट कितना आएगा, 2λ - 9 और +4 ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, और y कोफिशिएंट कितना होगा, 3λ - 12 और +6 ऑफ y हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट कितना होगा, कॉन्स्टेंट होगा 53 - 27λ और +3 इक्वल टू 0 आएगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है कॉर्ड है ये कंकरेंट है, कंकरेंट मतलब एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, तो फिक्स पॉइंट को फाइंड करना है, तो वो फिक्स पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसमें लैम्डा वाला टर्म अलग करते हैं और बिना लैम्डा वाला टर्म अलग करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2λ x होगा और -5x होगा, ठीक है, और यहाँ +3λ y होगा -6y होगा, ठीक है, प्लस
और यहाँ पे कितना हो देखो, 53 + 3 मतलब 56 - 27 लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा वाला टर्म अलग कर देते हैं और बिना लैम्डा वाला टर्म अलग करते हैं, तो बिना लैम्डा वाला टर्म कितना होगा देखो, -5x - 6y और +56, ये हो जाएगा प्लस। अब लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा का फिर कितना होगा देखो, 2x यहाँ पे है, 2x + 3y - 27 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये जो इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ लाइंस है, मतलब L1 + λ L2 इक्वल टू 0, ये फैमिली ऑफ लाइंस है। तो ये फिक्स पॉइंट से पास करेगा, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड कर लें दोनों को सॉल्व करके। तो L1 हो गया -5x - 6y + 56 और L2 का इक्वेशन है 2x + 3y - 27 इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0। L1 L2 को सॉल्व करेंगे तो फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। तो इक्वेशन जो 2 है, एक L2 उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4x + 6y, यहाँ -27 है तो -54 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं, जब ऐड करेंगे तो -5x + 4x तो -x हो जाएगा, -6y + 6y ये दोनों कट जाएगा, और +56 - 54 तो +2 = 0। तो देखो यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 कोई भी इक्वेशन रख सकते हैं, चलो इसी इक्वेशन रखते हैं x का वैल्यू 2, तो -10 होगा। इसी इक्वेशन में x का वैल्यू 2 रखते हैं तो -10 - 6y और +56 = 0, तो 6y का वैल्यू आ जाएगा, 56 - 10 मतलब 46, तो y का वैल्यू 46/6 मतलब 23/3, ये हो गया वाई का वैल्यू। तो फिक्स पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 2,23/3, ठीक है, यही हो जाएगा फिक्स पॉइंट जो हम लोग को फाइंड करना था। ओके।